हेलो दोस्तों, आज बिंदिया किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ बची हुई रोटियों का ऐसा जबरदस्त टेस्टी नाश्ता जिसमें आपको पराठे का भी स्वाद आएगा और सैंडविच का भी। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और गर्मियों में अक्सर खाना बच ही जाता है, स्पेशली रोटियाँ। तो जब रोटियाँ बच जाती है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या बना जाए जो कम समय कम मेहनत में बने पर हेल्थी और टेस्टी भी हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी का इतना जबरदस्त टेस्टी नाश्ता जिसको अगर आपने एक बार खा लिया तो आप 5 रोटी रोज एक्स्ट्रा ही बनाएंगे और बार बार इसे ही खाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो लेफ्ट ओवर रोटी से सबसे मजेदार और लाजवाब नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे बेसन का घोल। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप बेसन और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब बेसन थोड़ा हेवी होता है तो उसके लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन का भी काम करेगा। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ सारी चीजें बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी का यहाँ घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, इसलिए इसे ज़्यादा पतला बिल्कुल ना करें और इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जिससे बेसन का हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आए। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एकदम गाढ़ा लम्स फ्री घोल हमारा यहाँ तैयार हुआ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ बेसन के घोल का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे मैंने पहले बनाया है। तो यह हमारा घोल तैयार है, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं जब तक हम हमारी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो आलू की बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 3 उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छे से छिलका निकाल दिया है। अब इसे हमें ग्रेट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक बाउल और यहाँ हम लेंगे इस तरह का एक ग्रेटर और आलू को हमें यहाँ मीडियम साइज से ही ग्रेट करना है। तो यहाँ हम लेंगे आलू और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप ये चाहे तो आलू को अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, पर इस तरह ग्रेट करने से इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ एक चपाती पर एक आलू की स्टफिंग आराम से लग जाएगी, तो यहाँ आप आलू की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, इस नाश्ते की सबसे खास बात कि अगर आपने इस चपाती नाश्ते को एक बार खा लिया तो ये आपकी भूख को भी शांत कर देगा और कुछ अच्छा और चटपटा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हमारे आलू के स्टफिंग को चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो इसे आप जरूर से डालें। साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हल्का सा खट्टापन देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आप यहाँ चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और हमारे स्टफिंग को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। दोस्तों, इससे ज़्यादा स्टफिंग में और मसाले डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही लाजवाब हमारी स्टफिंग तैयार होगी। तो यहाँ हमने सारे मसाले डाल दिए, अब इन्हें हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों, सुबह सुबह की भागदौड़ में कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो जल्दी से बन जाए, टेस्टी हेल्थी भी हो और पेट भी भर जाए, तो ये नाश्ता उसके लिए परफेक्ट है, आप इसे जरूर ट्राई करना। और ये देखिए, सारे मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यह हमारे स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं रेसिपी के मेन पार्ट यानी कि चपाती पर। अक्सर गर्मियों में हम दोपहर में खाना खाना पसंद नहीं करते तो चपातियाँ बच जाती है, तो उन चपातियों का कैसे यूज़ करें, तो ये एकदम बेस्ट रेसिपी है लेफ्ट ओवर चपाती का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास कुछ चपातियाँ बच गई है। अच्छा, चपातियों पर मैं हमेशा घी यूज़ करती हूँ, तो यहाँ मेरी रोटी एकदम सॉफ्ट पड़ी है। अगर आपकी रोटी सूख गई हो तो आप उस पर थोड़ा सा पानी लगा दें और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आपकी रोटी पर कोई फोल्ड ना हो। तो चलिए, अब हम एक चपाती को इस तरह से चकले पर रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो 1 बड़ा चम्मच हम इस तरह से चपाती पर रखेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ मेरे पास हरी चटनी है इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी चटनी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इसके ऊपर स्टफिंग स्प्रेड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने चटनी को अच्छे से फैला दिया है।
अब हम इसके ऊपर रखेंगे स्टफिंग। तो यहाँ स्टफिंग एक से डेढ़ बड़ा चम्मच रख रहे हैं, अगर जरूरत होगी तो हम इसके ऊपर और डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ हमें स्टफिंग की थोड़ी थिक लेयर लगानी है और इससे अच्छे से इवनली हम स्प्रेड करेंगे और इसी तरीके से बाकी की चपातियों पर भी हम स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए हमने स्टफिंग को इवनली स्प्रेड कर दिया, तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, आप यहाँ चाहे तो तवा भी यूज़ कर सकते हो। और अब फ्लेम को करेंगे एकदम लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर हमने जो ये चपाती तैयार करी थी ना, ये हम इसके ऊपर रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से सिकने देंगे, जिसे नीचे से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। और ध्यान रहे जो ये आलू वाला पोर्शन है ना, इसे हमें ऊपर रखना है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे बेसन, तो चलिए पहले बेसन चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए, बेसन अच्छे से सेट हो गया। अब लास्ट में इसके अंदर हम यहाँ डाल देंगे एक चुटकी मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और मीठा सोडा डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह हमारा बैटर तैयार है, अब इसे हम डायरेक्ट स्टफिंग पर डालेंगे। तो कैसे डालना है एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। एक करछी भर के हम बैटर लेंगे और इसे हम बीच में इस तरह से पोर करेंगे। बीच में डालने से क्या होगा ना, ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और फिर करछी से इसके साइड में इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे बैटर हमेशा बीच में डालें, साइड्स में ना डालें। अगर आप साइड्स में डालेंगे ना, तो सारा बैटर नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसे बीच में डालें और करछी से इसे फैला दें। तो यह हमने बैटर को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल, इसे बहुत ही बढ़िया लुकिंग आएगी। ये ऑप्शनल, अगर आपको तिल नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे। लगभग 3 मिनट हो गए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बेसन अच्छे से सिक गया है और ये परफेक्टली सेट होकर ड्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं। सुपर्ब, ये देखिए हमारी चपाती नीचे से कितनी क्रिस्पी और करारी हो गई है। और अब हमारा बेसन भी नीचे से अच्छे से सिक जाए, उसके लिए यहाँ हम डालेंगे एक छोटा चम्मच तेल और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे। इस तरह सेकने से हमारी चपाती काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए बनिए ना एकदम क्रिस्पी करारी। 2 मिनट हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से शेक करेंगे, ये देखिए ये हिल रहा है, मतलब हमारा बेसन नीचे से अच्छे से सिका है। अब इसे हम पलट देंगे और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर और टेक्सचर है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर। और यहाँ इसे हमने लो फ्लेम पर सेका है ना, तो तिल भी बिल्कुल भी जले नहीं है। तो बस अब इसे हम एक प्लेट या फिर चकले पर निकाल लेंगे और इससे हम बनाएंगे और भी मजेदार। तो उसके लिए यहाँ मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ टमेटो केचप। इसमें थोड़ी स्वीटनेस होती है, इसलिए मैंने यहाँ टमेटो केचप लिया है। अगर आपके पास टमेटो केचप ना हो तो आप यहाँ पे इमली की चटनी भी लगा सकते हैं। और इसे अब हम स्पून से बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ बची हुई चपाती से चपाती सैंडविच की मजेदार रेसिपी शेयर करी है, तो उसे भी आप जरूर ट्राई करना। उसकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने टमेटो केचप को अच्छे से फैला दिया है। अब थोड़ी स्पाइसीनेस के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच चिली गार्लिक सॉस और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप यहाँ पे रेड चिली सॉस या फिर पेरी पेरी सॉस भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ मैं स्वीटनेस और स्पाइसीनेस का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो केवल पिज्जा सॉस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सॉसेस को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज, तो यहाँ मैंने एक प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। सच में दोस्तों इस नाश्ते में आपको पराठे का भी स्वाद आएगा और सैंडविच का भी। तो यह हमने प्याज को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटर, तो यह मैंने एक टमाटर को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, इसके बीज मैंने निकाल दिए और ये भी हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। कच्चे टमाटर और प्याज का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे नायलॉन सेव, ये बारीक वाली सेव है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। तो ये हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। दोस्तों बच्चों को चपाती खिलाने का एकदम परफेक्ट आइडिया है। अगर आपके बच्चे चपाती नहीं खाते तो आप ये नाश्ता इस तरह से जरूर बना कर दें, वो बड़े शौक से खाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ये उनका फेवरेट नाश्ता बन जाएगा। और साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे अनार के दाने, देखते आ रहा ना मुँह में पानी कितना मजेदार लग रहा है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यह हमारा चपाती का लाजवाब नाश्ता है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। ऊपर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और नीचे से बहुत ही क्रिस्पी और करारा, सच में दोस्तों खाते ही मजा आ जाएगा। और देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, और सिर्फ 2 चम्मच तेल से ही हमारा टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता तैयार हो गया है। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है सुपर टेस्टी सुपर हेल्थी बची हुई चपातियों का लाजवाब नाश्ता।
और ये देखिए नीचे चपाती की क्रिस्पीनेस, बीच में टेस्टी सी आलू की स्टफिंग और ऊपर से कच्चे टमाटर, प्याज और नमकीन की क्रंचीनेस और लाजवाब फ्लेवर। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस यूनिक और टेस्टी से नाश्ते को एक बार खा लिया तो मेरी गारंटी कि आप जानबूझकर रोटियां बचाएंगे और बार बार इसे ही बनाएंगे, इवन बच्चे हो या बड़े आपसे डिमांड कर करके बनवाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।